क्वेश्चन देखिए चार नंबर में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्च निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। देखिए यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन दिया है, देखिए रोस्टर रूप में है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, इसको यहाँ समझना होगा। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, यह 3 है 6 है 9 है 12 है ये सारे दिए गए हैं संख्या, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, यहाँ मिडिल ब्रैकेट होना चाहिए था, कभी भी मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही ना लिखा जाता है समुच्चय के अवयवों को, तो यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट दे दिया था, इसको तो हटा देंगे, यहाँ मिडिल ब्रैकेट है, ठीक है। चलिए एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में गलती कर देता है, चलिए इसको समझिए। यहाँ पे मैं इसका कुछ नाम मान लेता हूँ, मान लेता हूँ ए, ठीक है, और लिखता हूँ 3, 6, 9 और 12, इसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। चलो देखो इसको समुच्चय निर्माण रूप में मैं बता रखा हूँ आपको, x:x, अच्छा यहाँ पे मैं x बराबर में समझो यहाँ पे 3n लिख देता हूँ, 3n, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि n बिलोंग्स टू n, कैपिटल n, और n जो है 4 से छोटा और 4 के बराबर है। इसका मतलब समझो, यहाँ देखो n फॉर नेचुरल नंबर, ये छोटा n क्या है, प्राकृत संख्या है, जो 4 और 4 से छोटा है, तो देखो 4 और 4 से छोटा यानी 1, 2, 3, 4 यही ना होगा, तो आप देखो n के जगह 1 रखोगे तो ये आ जाएगा, 2 रखोगे तो ये आ जाएगा, 3 रखोगे तो ये आ जाएगा, 4 रखोगे तो ये आ जाएगा, है ना जी। तो इसी को ये निरूपित कर रहा है दूसरा।